जी डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप वेलकम टू जीएस एकेडमी आज हम जो है बात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर थर्टीन बायोकेमिस्ट्री और इसमें एक्सरसाइज के अंदर मौजूद तमाम एमसीक्यूज की और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की भी बात करेंगे आपसे तो चलते हैं एम सी क्यूज की तरफ स्टूडेंट्स एम सी क्यूज की तरफ चलें तो पहला क्वेश्चन किया जा रहा है कि विच कंपाउंड इज़ फाउंड इन एवरी लिविंग सेल सर्व एज दी इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल सेंटर तो याद रखना स्टूडेंट्स के जो डी एन ए होता है वो बेसिकली uh, एक इंफॉर्मेशन uh, रखता है और कंट्रोल सेंटर के लाता है या मैनेजर होता है किसी भी सेल का हर सेल के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ही ये मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं डी एन ए के जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं तो डी एन ए बेसिकली जो है वो राइट right आंसर है क्योंकि लिपेड प्रोटीन्स और अमानो एसिड से ही प्रोटीन्स बनते हैं तो ये जवाब में नहीं शुम, शुम, शुमार किए जाएंगे सो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि प्लांट्स कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू जो प्लांट्स होते हैं वो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा नो डाउट कि जो ग्लूकोज है वो लिपिड्स में प्रोटीन्स में और अमाइनो एसिड्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है ये पॉसिबल है लेकिन प्लांट्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं ताकि बाद में स्टार्च को दोबारा ग्लूकोज बनाकर वो बतौर एनर्जी के तौर पर यूज़ करें या स्टार्च को किसी और स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट करें ताकि अ, कल पौधे के लिए जो है वो कोई बेहतरी आ सके उसके लिए कोई बेहतर अमल जो है वो हो सके तो बहरहाल ग्लूकोज को स्टार्च की शक्ल में स्टोर कर लिया जाता है सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन उसके बाद ग्लूकोज इज आ ग्लूकोज आखिर होता क्या है तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ग्लूकोज छः कार्बन की जो है एक शुगर है तो याद रखिएगा इसको हम हैग्जोज कहेंगे ओज मीन शुगर हैग्स मीन सिक्स कार्बन शुगर सो इट इज द राइट ऑप्शन डायास्क्राइड में जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिल जाए तो सुक्रोज बनती है जो कि डायास्क्राइड कहलाती है और पेंटोज राइबोज इसकी एक एग्जांपल है जो कि फाइव कार्बन शुगर है और टेटरोज में जो है चार कार्बन की शुगर शामिल होगी तो स्टूडेंट्स ग्लूकोज जो है वो हैगजोज होती है सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन उसके बाद विच इज़ नॉट अ डेक्सट्रोज शुगर इसमें से कौन सी डेक्सट्रोज शुगर नहीं है स्टूडेंट्स इस जवाब के लिए जो है हमें इस पैराग्राफ को स्टडी करना पड़ेगा ग्लूकोज मैनोज ग्लैक्टोज आर डेक्सट्रोज शुगर्स ये पेज नंबर 92 टू पे जो है वो आपके दिया हुआ है पैराग्राफ तो इसमें से यहीं से आप फिलहाल अभी ले लो क्योंकि इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग कॉन्सेप्ट कि आपको बताया जाए कि ये डेक्सट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी क्या होते हैं बहर ये थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर भी लिखा कि कुछ शु, शुगर्स हैं मोनोसेक्राइड्स हैं वो रोटेट uh, कर देते हैं प्लेन ऑफ प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू राइट क्लॉकवाइज, सो दे आर कॉल्ड दी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डेक्स्ट्रोज शुगर्स सो मोनोसेक्राइड्स आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ये सब शुगर्स हैं मोनोसेक्राइड्स हैं और इनको वाइट क्रिस्टलाइंस को हो और ये डेक्स्ट्रोज हैं सो दे आर सोल्यूबल इन वाटर इनका स्वीट टेस्ट होता है एंड दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर और ये रिड्यूसिंग इन नेचर भी होती हैं दूसरे कंपाउंड को रिड्यूज कर देती हैं तो ग्लूकोज को हमने वहाँ पर देखा मैनोज को भी वहाँ पर देखा डेक्सट्रोस थी और ग्लैक्टोज को भी देखा वो भी डेक्सट्रोज थी सिर्फ फ्रुक्टोज वहाँ पर नहीं थी तो फ्रुक्टोज एक डेक्स्ट्रोज शुगर नहीं है सो डी इज़ अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि रेफिनोज जो कि अठारह कार्बन की एक शुगर है वो जब पानी में मिक्स हो जाती है तो कितनी शुगर देती हैं तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो रेफिनोज है वो एक ट्राईओज है ट्राईओज क्या होती है कि जो तीन मोनोसेक्राइड्स आ, अपने साथ जो है वो रखती सॉरी इसको हम बोलेंगे डायसक्राइड मोनोसेक्राइड एंड ट्राइसक्राइडस और ट्राइज नहीं बोलेंगे ट्राइसक्राइड बोलेंगे तो ये ट्राइस्क्राइड है तो यानी तीन सिंपल शुगर जो है वो ये दे सकती है या आप एक देख सकते हो कि रेफिनोज जो है ऑन हाइड्रोल जो है वो एक इज अ रेफिनोज डायस्क्राइड तो नहीं है क्योंकि ये तीन कार्बन की शुगर्स दे रही है तो ये थ्री सिंपल शुगर्स दे रही है सो यू कैन से दैट कि जो एक रेफिनोज है वो ट्राइसराइड है सो so, यहाँ पर हम थ्री को जो है वो सही आंसर समझेंगे ठीक है उसके बाद विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ स्टार्च स्टार्च किस में नहीं मिलेगा आपको तो कॉटन जो है वो प्योर सेलुलोज है कॉटन प्योर सेलुलोज है और इसमें स्टार्च बिल्कुल नहीं होता चावलों में गंदुम में स्टार्च होगा चावलों में थोड़ा बहुत काफी हद तक स्टार्च होता है आलू में भी स्टार्च मिलेगा आपको लेकिन कॉटन में बिल्कुल नहीं मिलेगा सो कॉटन इज अ प्योर सेलुलोज नो डाउट स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है सर्लोज भी एक पोलिसक्राइड है कार्बोहाइड्रेट है ये भी पोलिसक्राइड है लेकिन ये है कि इसमें स्टार्च नहीं है कॉटन में स्टार्च बिल्कुल नहीं होता है सो so, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है विच इज नॉट अ प्रोटीन इनमें से कौन सा प्रोटीन नहीं होता है तो स्टूडेंट्स याद रखो एंजाइम सारे ही प्रोटीन्स होते हैं तकरीबन एंटीबॉडीज भी प्रोटीन्स होती हैं जेलाटिन तो एक प्रोटीन की ही शक्ल है तो कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड फैमिली से ताल्लुक है इसका तो कोलेस्ट्रॉल को आप जो है वो नहीं कहोगे कि ये एक प्रोटीन है तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रोटीन नहीं होता है राइट सो कोलेस्ट्रॉल इज नॉट आ प्रोटीन स्टूडेंट्स उसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है सोप एंड डिटर्जेंट्स आर मेड फ्रॉम जो साबुन होते हैं या डिटर्जेंट्स होते हैं वो किस चीज से बनते हैं तो याद रखिएगा ये सारे जितने भी साबुन की इंडस्ट्री है ये डिपेंड करती है फैट्स एंड ऑयल्स पर इसे स्पोनिफिकेशन कहते हैं स्टूडेंट्स फैट्स एंड ऑयल्स को अगर हम कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ मिलाएं तो साबुन बन जाते हैं डिटर्जेंट्स बन जाते हैं इस अमल को हम स्पोनिफिकेशन कहते हैं स्पोनिफिकेशन तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे आगे जाकर लेकिन अभी इतना ही याद रखो सो so, कार्बोहाइड्रेट्स से जो है वो नहीं बनते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स ना ही प्रोटीन से बनते हैं बल्कि फैट्स एंड ऑयल्स से बनते हैं सो सी इज अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है स्टूडेंट्स विच इज नॉट प्रेजेंट इन डी एन ए डी एन ए में क्या नहीं होता है तो स्टूडेंट्स डीएनए बेसिकली आप कह लो कि एक ऐसा मोलिक्यूल है जिसमें आपको बेसिकली कुछ चीजें मिलेंगी मैं आपको बताता हूँ अब जो बेसिकली डी एन ए है आप कह लो कि इसमें आपको मिलेगा रईबोज शुगर लेकिन वो डी ऑक्सी होगी डी ऑक्सी मीन उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा राइबोस में डी न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड स्टूडेंट्स इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ये मोलिक्यूलर डीएनए ये मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ये सेल के न्यूक्लियस में होता है सो so, आप कह सकते हो कि इसमें बेसिकली एक बेस होती है जिसे हम नाइट्रोजीनियस बेस कहते हैं ठीक है और साथ इसकी एक शुगर होती है जिसे हम पेंटोज शुगर कह सकते हैं और साथ फॉस्फेट ग्रुप होता है ठीक है तो ये तीन चीज़ें मिलती हैं इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं न्यूक्लियोटाइड और इसी तरह से बहुत से ही न्यूक्लियोटाइड आप कह सकते हो कि ये सब न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाते हैं आ, इसको थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया तो है तो बहुत से न्यूक्लियोटाइड जो हैं आप कह लो कि मिल जाते हैं और वो बना देते हैं डी एन ए राइट ये इस तरह कुछ स्ट्रक्चर बॉन्डेड हो जाता है आपस में सो so, एक न्यूक्लियोटाइड हो गया ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया यू नो सो इसमें क्या है ये बेस है ठीक है नाइट्रोजीनियस बेस कहते हैं ये शुगर है ठीक है और ये फॉस्फेट है समटाइम्स ये शुगर में ऑक्सीजन होता है जिसे हम कहते हैं आर एन एट इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड अगर इसमें शुगर में ऑक्सीजन मतलब इसमें होता तो है ऑक्सीजन लेकिन एक जगह पे कह लो एक कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं होता तो उसको हम डी कह देते हैं राइबोज आपको मैंने बताया था एक पेंटोज है राइबोज एक पेंटोज है और पेंटोज का मतलब है कि ये एक फाइव कार्बन शुगर है ठीक है तो अब ये अगर इसमें ऑक्सीजन होगा तो ये राइबोज है यू नो यू कॉल इट एज राइबोज न्यूक्लिक एसिड अगर इसमें ऑक्सीजन होगा अगर इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा तो डी मीनस निकलना ऑक्सीमीन ऑक्सीजन का राइबोज में से तो अब वो कहना क्या चाह रहे हैं अब वो कहना स्टूडेंट यहाँ ये यह चाह रहे हैं विच इज़ नॉट प्री एन ए डेफिनेटली राइबोज शुगर जो है वो डी एन ए में नहीं होगी क्योंकि राइबोज शुगर मैंने आपको बताया कि ये आर एन ए में होती है डी एन ए में डी ऑक्सी राइबोज शुगर होती है फॉस्फेट यूनिट मैंने आपको दिखाया बनाकर वो होता है नाइट्रोजीनियस बेस भी होती है सो बी इज अ वेरी रॉन्ग आंसर फॉर दिस क्योंकि इसमें में आर एन ए में जो है वो राइबोज शुगर होती है डी एन ए में डी ऑक्सी राइबोज शुगर होती है सो बी ऑप्शन यहाँ पर फजूल लिखा हुआ है उसके बाद नेक्स्ट है जी रेफी फ्यूडन फिर आ गया है। इस आ, इस आ, इस आ, इस आ क्या है ये ओलीगोसक्राइड स्टूडेंट्स मैंने आप उसको ट्राईसिक्राइड कहा था ट्राई सिक्राइड ठीक है तो ट्राइसिक्राइड का मतलब है कि ये एक ओलीगोसिक्राइड है ओलिगोसेक्राइड्स में ट्राइसेक्राइड्स, सक्राइड्स टेट्रासेक्राइडस आ जाते हैं और बहुत सेक्राइड्स जो हों हम ऐसे पॉलीसेक्राइड्स भी कहते हैं जिनमें मैंने आपको सेलुलोस की भी प्योर कॉटन की एग्जांपल बताई थी कि एक पॉलीसेक्राइड है जो कि पौधा अपने लिए खुराक स्टोर करके रख लेता है और इसके अलावा आपको सुना होगा आपने ग्लाइकोजन uh, जो कि एनिमल स्टार्च कहलाती है ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन जो है ये बेसिकली ये भी एक पोलिसक्राइड है ओलीगोसक्राइड्स में आप ले सकते हैं राइबोफ्यूरिनोस को डायस्क्राइड में सुक्रोज को और बहुत सी मोनोसक्राइड जिस पड़ी हैं आपने इसमें मोनोस्क्राइड में भी मैं आपको राइबोस की बात कर रहा था डिओक्सी राइबोस की बात कर रहा था ग्लूकोज है फ्रुक्टोज है मैनोज है ग्लैक्टोज है तो बहुत सी आ जाती हैं तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डिसाइड वेदर सुक्रोज इज ड्राइड और मूनोसेक्राइड व्हाट इज डेक्सट्रोज शुगर या राइट द फॉर्मूला ऑफ माइनो एसिड्स एंड आइडेंटीफाई फंक्शनल ग्रुप्स इन इट एंड व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड और इसके अलावा कुछ सवाल और हैं जिनमें उंड uh, uh, compound is इन लेपेड वट आर दी फंक्शन ऑफ डी एन ए फिर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं तो इन सब सबके इकट्ठे मैंने आज सोचा एक वीडियो बना दूँ शॉर्ट एंड लॉन्ग की तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं अभी आपको एक येलो सा बबल नजर आया होगा सब्सक्रिप्शन के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा डू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज बहुत सी हेल्प मिलेगी इस चैनल पे आपको जैसे कि मैंने आपकी हेल्प की सारे एम सी क्यूज़ को प्रॉपरली समझा कर आपको बताया और अगर आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे रबा कर सकते हैं इसके अलावा अपना ख्याल रखना है दूसरों का ख्याल रखना है सबका ख्याल रखना है so दैट्स इट थैंक यू सो so मच अपना ख्याल रखिएगा